नमस्कार दोस्तों, कैसे मेरे भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज का ये वीडियो बताना चाहूँगा, स्पेशल ये वीडियो आज का उस टॉपिक पर रहेगा जिन भाइयों का ग्रुप नहीं बनता। राइफल हो चाहे एयरगन हो चाहे 12 बोर की बंदूक, निशाना लगाने में थोड़ा सा अप डाउन फील करते हो या निशाना पूरा अच्छी तरीके से हिट नहीं होता, आज का ये टॉपिक उस वीडियो पर बना रहा हूँ। आज का ये टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ आपको बताऊँगा, मैं छोटी से छोटे बाई स्टेप बताऊँगा। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, कुछ भाई इसके लिए ट्यूशन लगाते हैं, पेमेंट देते हैं, और कुछ नेट पे भी साइट मैंने देखी है ऐसी चीज़ें जो गोपनीय होती है, जो आपसे छिपा के रखी जाती है, निशाना लगाने वाली की बातें वो छिपा के रखी जाती है, उन्हें सीखने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है या किसी साइट पे कुछ अकाउंट से डिटेल दे के उनको कटवाना पड़ता है। कोई टेंशन की बात नहीं, आज तुम्हारा भाई ये चीज़ फ्री में बताएगा। देखो, मुझे इसमें मतलब ऐतराज़ किसी बात से नहीं है कि भाई, मुझे सिर्फ संतुष्टि इस बात की नहीं है कि आपसे आप इस अगर प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटे से छोटे बाई स्टेप आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास अथेना है NX 200, पास से दिखा रहा हूँ मैं एक बार इसको, सारी चीज़ फोकस करके। इस पर मैंने स्कोप भी लगा हुआ है, बुशनेल कंपनी का स्कोप है, 3932 ईजी है। सबसे पहली बात तो हम करते हैं, सबसे पहली बात तो इसको पकड़ने की, मतलब इसको एयरगन मत मानो आप। आपके जो घर में जो आप हथियार चलाते हो समझो वही है तुम्हारे भाई के हाथ में। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो सब पकड़ने का तरीका देखना चाहिए। कुछ भाई देखो शौकीन में ऐसे ऐसे फायर करते हैं, मतलब यहाँ से राइफल हुई जाए कुछ ऐसे ऐसे करके फायर करते हैं, मतलब ऐसे धर से। ये कंडीशन भी गलत है ऐसे पकड़ने। सबसे पहली बात हम पकड़ने की बात करें, ये इसकी जो यहाँ से आप इसकी ये पकड़ोगे और इसका जो रिक्वायर पैड होता है यहाँ पे पीछे लगाओगे, और ये वाली हथेली से इसको यहाँ पे पोस, और इस कंडीशन से अपने पैरों का भी स्टेप देखना चाहिए, मतलब यहाँ से मिला के खड़े नहीं होना चाहिए कि कुछ भाई ऐसे मिला के पैरों का स्टेप देखते हैं। पहली कंडीशन तो ये रही। दूसरी कंडीशन है कि हम स्टेप कैसे बनाएं पैरों का। हम थोड़ा सा स्टेप इस एंगल से बनाएंगे, और जो हमारा लेफ्ट वाला पैर होगा वो सबसे आगे होगा, मतलब राइट वाला पैर मत आगे करना। ये सबसे पहले बात तो पैर की भी होती है, और इस एंगल से ये बिल्कुल सेफ पोजिशन है, बिल्कुल ये वाली। जो राइट हैंड से जो यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट हैंड से, जो लेफ्ट हैंड होगा वो जो लेफ्ट हैंड से यूज़ करते हैं वो लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे ऐसे। और तो मैं तो राइट से यूज़ करता हूँ, तो बताना चाहूँगा दोस्तों, इस कंडीशन पे करने के बाद सेकंड हमारा ऑप्शन है ये वाली आँख बंद करना। इस वाली आँख बंद करना है, और राइट वाली आँख से हम अपने टारगेट को देखेंगे इस कंडीशन में। इस कंडीशन में अपनी राइट वाली आँख से देखेंगे। और दूसरी बात करें, जैसे हम एयरगन हो या राइफल हो, कुछ भी हो, 12 बोर की बंदूक, जब हम टारगेट लगाते हैं, सिर्फ एक बार टारगेट को अपने मन में उतार लो और अपने सामने रखो, और जैसे हम अपनी बैरल को सीधे करते हैं इस पोर्शन पे, तो बार बार ऐसे उठा के अपने सर को मत देखिए। मतलब कभी कभी कुछ भाई देखते हैं कि कहाँ तक है टारगेट, कहाँ तक नहीं। जब हमने देख लिया तो उसे एम के बीच, मतलब जिन भाइयों पर दूरबीन भी नहीं होती, इस एम के बीच उसे देखना चाहिए, और उससे अलग सर तो उठा के मत देखे। दूसरी जो कंडीशन थी यही थी। कभी कोई कोई भाई ऐसे ऐसे देखते हैं कि सर उठा के देखते हैं, एक तो ये वाली कंडीशन। और तीसरी बात, हम ट्रिगर को कब प्रेस करें। मैं इसको लोड कर दिया, देखो NX के अंदर पैलेट नहीं है, लोड कर दिया है। ये तो सेफ्टी सभी में होता है, कभी कोई में होता नहीं। जब हम इसको रिलीज़ करने वाले होते हैं, कोई कोई भाई सोचते हैं जब टारगेट को लगा लेते हैं वो धड़ाक से फायर करते हैं इस कंडीशन पे, ये तरीका भी गलत है। ये तरीका गलत है, मैं बताऊंगा आपको कौन सा तरीका क्या करना है। तो वो ये तरीका भी एकदम गलत है, जैसे एक भी मैंने एकदम से फायर किया, तरीका भी गलत है। दूसरी बात, फायर करने से पहले हमें फिंगर का बताना है कि फिंगर में हम कौन सा साइट का इस्तेमाल हम करेंगे, कौन सी कितनी फिंगर हम यूजबल मिलेंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरी फिंगर है। कोई कोई भाई हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रिगर को यहाँ से पकड़ के फायर करते हैं, ये भी तरीका गलत है। ऐसे करके ये भी तरीका गलत है। अब मैं सही तरीका आपको बताऊँगा किस कंडीशन में क्या करना है। अब देखो, सिर्फ फिंगर का उभरा हुआ जो भाग होता है ये वाला, इस भाग से यहाँ से फिंगर को प्रेस करना है, और बिल्कुल एकदम झटके से नहीं करना है, बिल्कुल धीरे से, प्यार से, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से करना है, धीरे धीरे, मतलब एकदम झटके से नहीं। एग्जांपल देना चाहूँगा झटके से, अगर जो भाई प्रेस करते हैं एकदम धैर्य से फायर करते हैं। एक बात बताओ दोस्तों, जब आप बाइक चलाते हो और गैर लगाने के बाद जो क्लच होता है आपके हाथ में, अगर उसे झटके से एकदम छोड़ दिया तो बाइक की कंडीशन क्या होगी आपको पता है, एकदम उठ जाएगी। ऐसी कुछ कंडीशन इसकी भी है, अगर हम झटके से प्रेस करेंगे तो हमारे निशाने में और ग्रिपिंग में अंतर आएगा। तो ये वाली कंडीशन थोड़ी सी फोकस में रखनी है। एक बार और दिखाऊंगा प्रेस करके किस कंडीशन से करना है, उभरा हुआ भाग आगे की ओर करना है, और बिल्कुल धीरे धीरे से हमें प्रेस करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब झटके से नहीं, धीरे धीरे से, इस एंगल से। यह वाली कंडीशन नोट होगी। तो ये वाली कंडीशन मैंने अभी आपकी फिंगर वाली बताई कि एकदम से प्रेस मत करें, बस धीरे धीरे से प्रेस करें।
और दूसरी बात, जब फायर कर दोगे आप दोस्तों, जब फायर कर दोगे तो एकदम से बैरल को एकदम नीचे मत प्रेस करें। ये तो खैर एयरगन है, जो 12 बोर की बंदूक होती है जिनमें हम उसके हैमर को प्रेस करते हैं और तब तब चलाते हैं। उस हैमर में जो हमें जितना टाइमिंग लगता है उस पिन पे चोट मारने पे, जो 12 बोर की बुलेट की जो पीछे की वो होती है उसकी टोपी वगैरह, जब उस पे टाइम लगता है तो उसमें भी ट्रैवल होने में टाइम लगता है। जब गोली ट्रैवल करती है तो उसे बैरल से बाहर निकलने में टाइम लगता है। मतलब जो स्पेशल यह वीडियो उन भाइयों के लिए काम करेगी जो गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो से जीरो ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। जब हम फायर कर देते हैं कुछ कंडीशन में तो हमें क्या करना होता है, जब फायर करने से पहले की बात बता रहा हूँ, अपनी सांस थोड़ी इस टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं, जब तक आप फायर करना दो तब तक अपनी सांसों को रोकना है। मतलब ये नहीं कि सांस ले ही रहे हैं, मतलब एक बार एक लंबी सी सांस भरे और तभी रोक लें और तब हम सेपरेट फायर करें। और उसके बाद की कंडीशन रहे, एकदम से बैरल को डाउन मत करें। एकदम से कुछ भाई एकदम से डाउन कर देते हैं फायर करने के बाद, सिर्फ 5 सेकंड तक उसी बैरल को उसी अवस्था में सावधान स्थिति में रखें। फायर चलाने के बाद उसी व्यवस्था में रखें, मतलब एकदम से डाउन मत करें, ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, उस टारगेट को मत देखो जहाँ पे आप उसको जैसे सर उठा के देखते हैं कि हमारा क्या सिस्टम होगा क्या नहीं। तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई, पहली बात तो फिंगर की बताई है कि फिंगर कितना आपको यूज़ करना है, जो उभरा हुआ सा हिस्सा है आपको यही वाला फिंगर यूज़ करना है, और ट्रिगर को सिर्फ धीरे धीरे प्रेस करें। और जब आप अपने एम के साइज के बीच जो स्कोप हो, चाहे एम बना रहे हो चाहे बिना विदाउट स्कोप लगा रहे हो, जो आपने टारगेट एक बार माइंड में उतार लिया उसको टारगेट को एम के बीच में ही रहना चाहिए, बाकी सर उठा के मत देखे कि कहाँ पे है। कुछ भाई ऐसा करते हैं, और जब फायर हम कर देते हैं तो अपनी बैरल को एकदम डाउन मत कर देना, क्योंकि 12 बोर की बंदूक में जब हम हैमर को प्रेस करते हैं और फायर करते हैं तो गोली ट्रैवल होने में मतलब कुछ सेकंड लगती है, कुछ ही सेकंड से भी कम। अगर हम थोड़ा सा भी डाउन हो गया तो उसका ग्रुपिंग का रिजल्ट आपको अलग मिलेगा। ये चीज़ होगी। और दूसरी बात मैं बता रहा था दोस्तों, मतलब अपने फायर करने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को रोकना पड़ता है, मतलब सांस लेते टाइम आप फायर मत करें। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, आपको किसी कोचिंग सेंटर में सीखने को मिलेंगे, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। और कुछ साइटें बनी हुई है जहाँ पे सीखने के लिए पैसे कटाने पड़ते हैं, अपने भाइयों के लिए ऐसा नहीं है, अपने भाइयों को फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मतलब कुछ सेकंड सांस से रोके और बिल्कुल प्यार से इस कंडीशन पे आप फायर करोगे और अपने पैर का भी थोड़ा सा ध्यान दूर रखोगे और जैसे बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे हैमर को प्रेस करना है सिर्फ यहाँ वाले, उसमें दावे के साथ बोलता हूँ वो वाला ग्रुपिंग का रिजल्ट अलग मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ मुझे आपको इतना ही बताना था। और एक्यूरेसी की बात करें, जो स्पेशल प्रैक्टिस और गेम्स की तैयारी सीखने के लिए जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, वो NX 200 आर्मर मत लो। आर्मर क्यों ना लो, आर्मर एक स्प्रिंग गन है, वो आपने देखा होगा झटका दे दिया तो थोड़ा सा सिर्फ ग्रुपिंग में हिलता है, सिर्फ थोड़ा सा। वो तो खैर ऑलराउंडर राइफल है, मतलब उसको कहीं उतार लो पीछे नहीं हटती। अगर एक्यूरेसी की बात करें और बिल्कुल स्पेशल शूटिंग में जो चलानी है, ओनली शूटिंग की बात कर रहा हूँ, तो बात करते हैं कि एम कैसे साइट करें। बिना स्कोप की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को देखो। इसमें हम आपको इसमें एक ऊपर पिन दिख रहा होगा, ये इमिंग होता है यहाँ पे, इस वाले पोर्शन को जब तक दोनों बीच में एक नहीं होंगे तब तक आपका निशाना नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा ये राइट हो गया तो आपका निशाना क्या हल्का सा राइट जाएगा, ये लेफ्ट हो गया तो राइट लेफ्ट जाएगा, अगर ये नीचे की ओर डाउन हो गया तो निशाना आपका ऊपर जाएगा, अगर बारीक करके बिल्कुल लगाओगे तो बिल्कुल सेंटर में लगेगा। वो आपके हाथ में है निशाना सेट करना, आप कितना अप डाउन करोगे कितना नहीं, यहाँ से इसका एडजस्टमेंट हो जाता है पूरा अप डाउन करके, वो तो खैर आपको पता ही लग जाएगा। मतलब ये चीज़ है, अगर बिल्कुल एक्यूरेट निशाना विदाउट स्कोप के मारना है तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल साइड के बराबर आनी चाहिए, मतलब कोई चीज़ लेफ्ट और राइट नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने का जो मेरा काम था स्पेशल, यही चीज़ बताने का कॉल होता। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है कोई चीज़ सेट करने में तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो कि अजय भाई यह प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। देखो मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं कि इस वीडियो से मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये चीज़ ओपन दे रहा हूँ और दावे के साथ बोलता हूँ ये चीज़ आपको छोटे से छोटे स्टेप कोई नहीं बताएगा। वीडियो में हर कोई बंदूक चला के दिखा रहा है, कोई कहीं मार रहा है कोई कहीं, पर ये नहीं बता रहा कि किस एंगल पे क्या कितना फायर का रिजल्ट बनेगा, कितनी उंगली हमें प्रेस करनी है, कब तक हमें सांसें रोकनी है और बैरल किस कंडीशन में सही करके टारगेट लगाना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे। मैं आपको आज ये चीज़ ओपन करके बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे माइंड में आ रहा था क्वेश्चन कि अपने भाई के लिए मैं ये चीज़ बनाऊं वीडियो में और छोटे से छोटे स्टेप को बताऊं। और इसमें अगर फिर भी जैसे अगर एयरगन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ आपने सारे रूल फॉलो कर लिए हैं फिर भी आपका ग्रुप नहीं बन रहा है तो उसमें पैलेट की गलती भी हो सकती है, मुझे बता देना, मैं भी ये चीज़ बता दूंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। राइफल में जब हम निशाना लगाते हैं, जब 12 बोर की बंदूक में हम निशाना लगाते हैं, जब उसका हैमर को प्रेस करते हैं और फायर कर देते हैं तो एकदम बैरल को हटा देते हैं वहाँ से, उसकी जब हम ट्रिगर, आप ये मत सोचो कि हमने ट्रिगर दबाया और गोली निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ट्रिगर नहीं दबेगा आपका तब तक जब हैमर होता है आप उसको ट्रिगर को प्रेस करोगे तो वो हैमर घूम के उस
फायर पिन पे लगेगा जाके, उसमें भी ट्रेलिविंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता है। जब गोली हवा में ट्रेलिविंग क्या, और जिन भाइयों के पास 30-06 की राइफल है, 315 की राइफल है, अगर वो दूर का निशाना लगा रहे हैं तो उसमें भी एक कंडीशन होती है, जब गोली हवा में जाती है तो उसकी भी दिशा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है हवा के साथ। आपको पता है जब गोली एक सीधे माध्यम से आती है तो थोड़ी सी ग्रुपिंग में फ़र्क आता है। मतलब कभी हवा में आप शूटिंग मत करें कि ऐसे तेज़ हवा चल रही है हम सोच रहे हैं कि शूटिंग करें, वो तो खैर इमरजेंसी की बात होती है अगर आपको शूटिंग करने की आवश्यकता होती है। बाकी ये जितने मैंने आपको रूल बताए ये सभी आप फॉलो करोगे तो दावे के साथ बोल सकता हूँ 0 नंबर का ग्रुप बने अगर दिखाओगे, बिल्कुल एक बिल्कुल बीच में टारगेट बना के दिखा दोगे आप। बस थोड़ी सी ये चीज़ है, जो स्पेशल शूटर लेवल के आदमी होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं गेम्स वगैरह की, वो स्कोप से प्रैक्टिस नहीं करते, वो सिंपल ही चलाते हैं। स्कोप से तो बच्चा बच्चा चला देगा अगर आप सेपरेट जगह राइफल रख के फायर करवाओगे। और स्कोप की भी एक बात बताऊं, जैसे आप सांस लेते हो आपकी जब दिल की धड़कन हिलती है तो उसमें भी ये बबलिंग करता है, आपने देखा होगा थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। मेरे हिसाब से सबसे हार्ड निशाना स्कोप से ही पड़ता है, मतलब अगर पॉइंट में आपको लगाना है, अगर सिंपल साइड से बना के निशाना लगा रहे हो, एम साइज से निशाना लगा रहे हो, तो बिल्कुल सेपरेट लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा, एक्यूरेट लगेगा। तो यही चीज मैंने बताई थी अपने भाई को, जब ट्रिगर आप रिलीज करोगे ध्यान रखना उभरा हुआ भाग आपको यूज करना है, और एकदम ताकत से एकदम प्रेस मत करना, कि जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ ऐसे मत प्रेस करना गलती से भी, आपको पता है ऐसे क्यों नहीं प्रेस करना है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो पूरी ताकत होती है वो तो ट्रिगर पर ही लग जाती है। आप खुद सोचो एक बाइक है, हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम झटके से क्लच छोड़ेंगे तो आपको पता है बाइक का क्या हाल होगा, आगे से जंप करेंगे, ऐसी कुछ कंडीशन इसमें है। बिल्कुल धीरे धीरे से प्रेस करना है, बिल्कुल धीरे धीरे से, जब तक बिल्कुल स्लो करके, ठीक है, तभी आपका निशाना लग पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से संतुष्ट होंगे कुछ भाई, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद संतुष्ट होंगे। तो दावे के साथ बोल सकता हूँ को यह वीडियो आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम आएगी। बस मुझे ये उम्मीद थी, मैंने आज तक YouTube पे ऐसी वीडियो नहीं देखी कोई इस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा, कोई नहीं। बहुत बंदे ऐसे देखे हैं कोई फायर कर रहा है, कोई रिजल्ट कुछ बना रहा है, कोई कुछ नहीं, ये नहीं बताएगा कि किस कंडीशन में हम चलाते हैं और हमें हमारा निशाना परफेक्ट लगता है, वो बंदा कभी ओपन करके वीडियो नहीं बनाता। आज मैंने अपने भाइयों के बीच ये बात अपनी रख दी है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम आपको मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और तुम्हारा जो प्यार बना रहता है अपने भाइयों के लिए, उसके लिए सभी भाइयों को थैंक यू, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और सभी भाई को जय हिंद जय भारत।